हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर सेल ऑनलाइन क्लास क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर 3। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर कोकरेंट। हमें बताने कि कौन से नंबर कोकरेंट। ए पार्ट 18, 35, बी पार्ट 15 एंड 37। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कोकरेंट नंबर क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर ओनली वन हो, सिंगल, ठीक है। तो ओनली वन नंबर कॉमन फैक्टर हो तो देखते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव नंबर। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें 18 और 35 के फैक्टर फाइंड करने, देन फैक्टर्स ऑफ 18। अब 18 के फैक्टर्स क्या होंगे, 18 में कौन कौन से डिजिट का डिवाइड जाता है, वो इसके फैक्टर होते हैं। 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का, 4 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का, 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का जाता है डिवाइड। 9 के बाद सीधा फिर हमारे पास 18 का 18 में जाएगा। तो 18 के फैक्टर क्या हुए, 1, 2, 3, 6, 9, 18। आप है ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर सकते हो। जैसे 18 को हमने प्राइम फैक्टराइज किया, 18 को 2 से 9, 3 से 1। तो 18 के फैक्टर हमारे पास किया है, देखो 1, 2, 3, 3, फिर 2, 3 या 6 एंड 3, 3 या 9, फिर 3, 3 या 9, 9, 2 या 18। इससे आप इजीली फाइंड कर सकते हो फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टर्स हम 35 के फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं, फैक्टर्स ऑफ 35 के फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। 35 5 से डिविजिबल 7 टाइम्स, 7 7 से डिविजिबल 1 टाइम्स। तो 35 के फैक्टर क्या होंगे, 1, 1 के बाद 5 एंड 7, और 75 से फिर डायरेक्टली 35 के फैक्टर। अब देखिए इसमें जो कॉमन है कोऑपरेंट क्या होते हैं, जिसमें बस खाली 1 ही कॉमन है। अब देखो इस केस में हमारे पास कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है 1 के अलावा, ठीक है ना। तो ओनली 1 कॉमन हो नंबर हमारे पास, ओनली 1 कॉमन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेंट। तो देखिए इसमें और डिजिट कॉमन नहीं है, ओनली 1 कॉमन आ रहा है, तो 18 और 35 क्या हुए, कोऑपरेंट्स। ओनली 1 इज कॉमन, सो 18 एंड 35 आर कोऑपरेंट, दैट इज आंसर। बी पार्ट डिस्कस करते हैं, देखिए बी पार्ट भी आपको ऐसे ही करना है। बी पार्ट फैक्टर्स ऑफ 15 के फैक्टर्स फाइंड करने, ऐसे आप फाइंड कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन से। 15 3 से डिविजिबल है 5 टाइम्स, 5 से डिविजिबल है 1 टाइम्स। तो 15 के फैक्टर क्या हुआ हमारे पास, 1, 3 एंड 5 एंड दोनों का मल्टीप्लाई 5 से डिजा 15। ये 15 के फैक्टर इजीली हम फाइंड कर सकते हैं इससे फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। अब फैक्टर्स हमें 37 के भी फाइंड करने, फैक्टर्स ऑफ 37। तो 37 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 37 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे तो 37 किसी भी टेबल में नहीं आता, 37 से डिविजिबल है वो भी 1। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 एंड 37 के फैक्टर 1 एंड 37। अब देखिए कॉमन डिजिट 1 के अलावा और कोई नहीं आता, तो ये भी क्या होगा, प्राइम नंबर। जिसमें खाली 1 कॉमन है वो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ओनली 1 इज कॉमन, सो दैट 15 एंड 37 आर कोऑपरेंट। ऐसे ही आपको एक्सरसाइज में कोऑपरेंट्स के जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनको अटेंड करने हैं आपको, बाकी क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं कोऑपरेंट।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। कोई नंबर हमारे पास 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है, तो हमें बाकी के नंबर्स फाइंड करने की, वो दोनों से डिविजिबल हो, 5 से भी डिविजिबल और 12 से। तो देखिए इसका मेथड क्या होता है, जैसे अभी हमने इससे पहले कोप्रैंक वाले क्वेश्चन किए थे, तो हम सबसे पहले फैक्टर 5 के भी फाइंड करेंगे और 12 के। फैक्टर्स ऑफ 5, तो 5 के फैक्टर देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 5 से डिविजिबल है 1 times, तो 1 and 5, 5 के फैक्टर 1 and 5। अब फैक्टर्स ऑफ 12 के भी फैक्टर्स हमें फाइंड करने होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करेंगे 12, 2 से डिविजिबल है 6 times, अगेन 2 से डिविजिबल है 3 times, एंड 3 से डिविजिबल 1 times। तो 12 के फैक्टर क्या होगा हमारे पास, 1 से डिविजिबल, 2 से एंड 3 से, तो होगा साथ में दोनों का मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6, 2 digit का मल्टीप्लाई। अब 6 के बाद देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 से डिविजिबल। आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो फैक्टर, जो गिवन नंबर होता है उसका फैक्टर फाइंड करने के लिए कौन कौन से डिजिट है जिसमें गिवन नंबर का डिवाइड चला जाए, दो फैक्टर्स होते हैं, 1 का चला जाता है 2 का, 3 4 6 12, डायरेक्टली या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इजी। अब देखिए इन दोनों केस में हमारे पास जो डिजिट है वो ओनली 1 कॉमन है हमारे पास, जैसे अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया था ओनली 1 कॉमन है, तो इसका मतलब दोनों नंबर हमारे पास है कोप्रैंक। सुनिए हियर 1 इज कॉमन, सो दैट 15 एंड 12 आर कोप्रैंक। ये दोनों क्या है, कोप्राइम नंबर। क्योंकि दोनों कोप्राइम है इसका मतलब इनका जो प्रोडक्ट है, बाकी अदर नंबर क्या होगा, जो इनका प्रोडक्ट करेंगे उसके फैक्टर होंगे। सो द अदर नंबर आर फैक्टर्स ऑफ देयर प्रोडक्ट, फैक्टर्स ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब बाकी अदर नंबर हमें कैसे फाइंड होंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करके जो फैक्टर करेंगे उसका, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 5 multiplied by 60, इट मीन्स 60 के जो फैक्टर हैं, बाकी जो 60 के फैक्टर करेंगे हम, वो नंबर इनसे डिविजिबल है। अब देखिए फैक्टर ऑफ 60 हमें फाइंड करना होगा, फैक्टर्स ऑफ 60 आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हो, अगेन 60 2 से डिविजिबल है 30 times, अगेन 2 से डिविजिबल 15 times, 15 में 15 3 से डिविजिबल है 5 times, 5 से डिविजिबल है 1 times। तो 60 के फैक्टर 1 2 3 5 तो है हमारे पास, और अगेन मल्टीप्लाई इन डिजिट का 2 2